प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश के किसी भी नागरिक को शारीरिक कष्ट ना हो, ये हम सब की काम है। लेकिन तेजस्वी यादव जी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जंगल राज के द्योतक हैं ये लोग और उसके उत्तराधिकारी हैं, उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें किसी की भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखना है, कुछ भी बोलना है और ये सोचना है कि जनता इन सबको पसंद करेगी। जब भी ये लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, नुकसान इन्हीं का होगा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 5 चरण के मतदान हो चुके हैं, 2 चरणों के मतदान बाकी हैं। 4 जून को वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन पूरे हिंदुस्तान की जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें, बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट की बात करें, तो एक तरफ जहां बिहार में एनडीए की सरकार है तो विपक्ष में इंडिया अलायंस खड़ी है। आरजेडी के सबसे बड़े नेता के तौर पर तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार में तेजस्वी यादव खड़े हैं। तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी से कई सवाल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पीएम मोदी से उनके कामों को लेकर लगातार सोशल मीडिया हो या फिर आम मीडिया हो, हर किसी के पास वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ पीएम मोदी से सवाल जो है करते हैं और उनसे जवाब मांगते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार बिहार दौरे पर हैं, पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5-6 बार बिहार आ चुके हैं, 1 बार पटना में रोड शो भी कर चुके हैं। और अब उन्हीं सारी बातों को लेकर जब तेजस्वी यादव से एक सवाल किया गया था, तो तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट पर चले जाएंगे, यानी कि 4 जून को इनकी सरकार जो है वो खत्म हो जाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से भी 300 पार के नारे दिए जा रहे हैं, तो उसी पर तेजस्वी यादव ने ये सारी बातें कही हैं। अब इस बात को लेकर बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पीएम मोदी आ जाते हैं बिहार दौरे पर, चुनावी जनसभा करते हैं, बेड रेस्ट को लेकर विपक्ष को घेरते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी पीएम मोदी के दिए गए इस बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। अभिषेक झा का कहना है कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो बयान दिया गया है वो बयान कितना सही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि लगातार चुनाव प्रचार में हैं, लोगों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और आम जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो पीएम के लिए इस तरह का शब्द कैसे प्रयोग कर सकते हैं। पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने जो बोला है वो बेहद ही गलत बोला है। क्या कुछ जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा बोल रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं उनकी पहले पूरी बातों को। प्रधानमंत्री जी के लिए तेजस्वी यादव जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अति शर्मनाक है। तेजस्वी जी को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। देश के लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं कि 73-74 बरस की भी उम्र में कितनी ऊर्जा के साथ लगातार वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी की स्थिति क्या है वह भी किसी से छिपी हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश के किसी भी नागरिक को शारीरिक कष्ट ना हो, ये हम सब की काम है। लेकिन तेजस्वी यादव जी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जंगल राज के द्योतक हैं ये लोग और उसके उत्तराधिकारी हैं, उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें किसी की भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखना है, कुछ भी बोलना है और ये सोचना है कि जनता इन सबको पसंद करेगी। जब भी ये लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, नुकसान इन्हीं का होगा।